शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि जब तक उस काले शक्ति का पता नहीं लगा लेती तब तक अधिराज और इस महल पर खतरा मंडराता रहेगा और मेरे जीते जी मैं अपने सुहाग पर आज नहीं आने दे सकती। अधिराज के मरते सुनैना का घमंड टूटेगा और हमारा निशाकिनी बनने का सपना। उत्सव के लिए जब अधिराज और सुनैना गांव की तरफ पड़े तो तुम अधिराज पर आक्रमण कर देना। मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने पति का साथ दूंगी। आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, हमारी अच्छी मित्र भी हो, सबसे अच्छी। हमारी इतनी मदद करती हो और हमसे मदद लेने के लिए मना कर रही हो, हम बना देते हैं। अब चले, उत्सव के लिए प्रजा प्रतीक्षा कर रही होंगी। हम एक राजा हैं जो अपनी सुंदर सी रानी के साथ प्रेम के कुछ क्षण बिताना चाहते हैं, तो हमारी प्रजा कुछ देर तो प्रतीक्षा कर सकती है ना। आप रुकिए, उत्सव के लिए जब अधिराज और सुनैना गांव की तरफ पड़े तो तुम अधिराज पर आक्रमण कर देना। मुझे अधिराज को अभी जाकर सब सच बताना ही होगा। लेकिन एक अच्छे राजा अपनी प्रजा को प्रतीक्षा नहीं करवाते।
ये तुम्हारी अंतिम यात्रा है अधिराज। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने अधिराज पर कोई खतरा नहीं आने दे सकती। तो बड़ी धोखेबाज निकली। तुम्हारी माँ और मेरी छोटी बहन सहेली थी ना, तुम्हें अपनी बच्ची की तरह मानती थी। हमने भी माना, तुम्हें अपना समझकर गले भी लगाया, लेकिन तुम तो हमारी पीठ पर खंजर भोंकने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। बस बस आप अधिराज को मत मारिए, मत मारिए अधिराज को। आज तुम काल भुजंग का भोजन बनोगी। नहीं 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 नहीं, हाँ हमें माफ कर दो, हमें नहीं बनना इसका भोजन, माफ कर दो हमें। चलो भोजन नहीं बनाते, लेकिन क्षमा भी नहीं करूंगी, क्योंकि धोखा देने वाले को क्षमा नहीं दंड दिया जाता है। जाओ काल भुजंग, अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। पता है सुने ना, जब से भोलेनाथ के मंदिर से प्रार्थना करके निकले हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें हमारी माँ बहुत जल्द मिल जाएगी। अब मैं अधिराज के विश्वास के साथ नहीं खेल सकती।
मंदिर से वापस आते ही मैं उसे डाकिनी का सारा सच बता दूंगी। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। सुने ना, तुम यहीं रहना। सैनी को, रानी साहिब का ध्यान रखो, हम देख कर आते हैं। लगता है ये भी किसी काली शक्ति का प्रकोप है। बेचारा सुने ना, हाजीराज, हम इसे मत लड़िए, चलिए। तुम पीछे हट जाओ, इसे हम देखते हैं। सुने ना, हटो पीछे। काल भुजंग अपने कार्य में सफल होने ही वाला है।
अधिराज के जीवन का अब कुछ ही आखिरी क्षण बचा है। हमें भी अपनी सिद्धि के लिए जाना चाहिए। भोलेनाथ, सुनैना और अधिराज को सदा सुखी रखना। उनका बंधन कभी न टूटने पाए। हे अम्बे माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। कोई है? हमारी मदद करो। अधिराज, मोती, आपको कुछ नहीं होगा, बस कुछ क्षण और। काकी, राजा साहब और सुनैना बिटिया अभी तक नहीं आए। बस आते ही होंगे। क्या हुआ बेटा? काकी, राजा साहब का चेहरा नीला पड़ रहा है। वेदी जी को बुलवा लीजिए। मैं यही हूँ पंडित जी। उनके पूरे शरीर में विष फैल चुका है और ये विष कोई साधारण नहीं है। इनको बचाना मुश्किल है। अब तो महादेव ही इन्हें बचा सकते हैं। आज महादेव ही जान बचाएंगे मेरे पति की।
आजकल भुजंग अपने कार्य में सफल हो जाएगा। ये दिल देख रहे हो स्वराज, जैसे ही इसका रंग लाल होगा और ये जलने लगेगा, समझो अधिराज की मृत्यु हो गई। और फिर हमें निशाकनी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। पर माँ, आप हमें बता क्यों नहीं रही हैं कि अधिराज के पास ऐसा क्या है जिसे पाकर आप महाशक्तिशाली निशाकनी बन जाएंगी? क्योंकि हम चाहते हैं तुम अपनी आंखों से देखो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आज के दिन आप मेरी खुशी कैसे छीन सकते हैं भोलेनाथ? आप तो महादानी है ना, तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। जब तक आप मेरे पति को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मैं अपने हाथों में जोत जलाकर प्रार्थना करती रहूंगी। अब या तो आप इनके प्राण लौटाइए या तो मेरे प्राण ले लीजिए।